तो आज के हमारी इस रिकॉर्डिंग में हम कुछ फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, कुछ जो हमारे फाइनेंशियल फॉर्मूले, हमारे जो एक्सेल के वर्कशीट फॉर्मूलेज हैं और कुछ ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स हैं वीवीए प्रोग्रामिंग के, हम उस पर आपके इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डिस्कस करते हैं कि अगर एक फोल्डर में कोई कई सारे फाइल्स डले हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि डी ड्राइव में हमें डीवीडी के फोल्डर में, वीवीए के फोल्डर में कई सारे फाइल्स हैं, मुझे इन फाइलों का पूरा लिस्ट चाहिए, साथ में डेट एंड टाइम और फाइल की साइज। मतलब कि हमें एक लिस्ट निकालना है यहाँ पे फाइल का, जिसमें फाइल है, उसके बाद डेट एंड टाइम है और उसका साइज है, इसका एक लिस्ट चाहिए। तो क्या करना है, समझ में आ गया आप लोगों को? हमें करना है कि एक पर्टिकुलर फोल्डर से जितने भी फाइल्स है उसका लिस्ट विद उसका फाइल का क्रिएशन डेट एंड टाइम जो प्रॉपर्टी में होता है, और साथ में उसका साइज हमें चाहिए। तो चलिए हम विजुअल बेसिक पे चलते हैं, एक नया मॉड्यूल्स ऐड करते हैं और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट एफडी के नाम से फाइल डिटेल्स, अब यहां पे मैं करता हूं कि dim fn as a string, fn equal to, हमारे पास dir फंक्शन होते हैं, इसको डायरेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इसमें आप फाइल का पाथ वगैरह देंगे तो उस फाइल का लिस्ट निकाल के देता है। मतलब कि हम इसका यूज इस चीज चेक करने के लिए भी करते हैं कि पर्टिकुलर फाइल किसी ड्राइव में है या नहीं। तो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फाइल किसी के ड्राइव में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, और यहां पे वीवी नॉर्मल कर देता हूं। तो एक आपने लगा दिया तो एफएन के ऊपर फाइल का नाम स्टोर हो जाएगा। अगर fn के अंदर फाइल का नाम स्टोर हुआ, मतलब कि यह फाइल एग्जिस्ट करती है, पहला काम था इसका ये। लेकिन इसका बेसिकली काम है कि हम फाइल का लिस्ट निकालने के लिए यूज करते हैं। हम स्टार लगा दिए, स्टार एक्सेलस m, मतलब कि अब इसके अंदर मैं मान लीजिए फाइल का पूरा नाम नहीं पता है, एक्सटेंशन पता है या एक्सटेंशन पता है बट कोई वर्ड नहीं पता, जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ वीवीए पता है, तो मैंने बोला कि वीवीए स्टार, वीवीए स्टार। तो जिस फाइल के अंदर वीवीए का नाम होगा वो यहां पे दे देगा। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ एक्सटेंशन पता है तो मैंने एक्सटेंशन दे दिया। अब बात यह आती है कि fn के ऊपर जो dir फंक्शन में डाला है वो एक नाम डाले, क्योंकि fn हमारा स्ट्रिंग है बट dir के पास कई सारे नाम है। मतलब कि अगर मैं यहां लिखूं कि रेंज a 65000 डॉट एंड xls up डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू fn, एक नाम दे देगा। फिर दूसरे नाम के लिए मुझे यहां पे जैसे कि एक इसको रन कीजिए, रन करते हैं, यहां देखिए यहां पे सीट पे XLSM. Oh, sorry, हमने यहां पे स्लैश नहीं लगाया है इसलिए एक गलत दिया है। तो यहां पे देखिए एक नाम दे दिया।
अब मुझे दूसरा नाम चाहिए, तो मुझे वापस जाए करना पड़ेगा F1 इक्वल टू DIR, ये वापस रीलोड करता है, कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर दूं, तो ये क्या करेगा, रीलोड करेगा। देखिए पर यहां पे हमें पता है प्रॉब्लम क्या है, पता नहीं है कि कितने फाइल्स होंगे, जितने फाइल्स उतने मुझे DIR FNP DIR को लोड करना होगा और वापस वैल्यू को लेना होगा। तो इसी केस में हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। कौन से लूप का, हम फोर लूप वगैरह नहीं लगा सकते, हम लूप इस्तेमाल करते हैं डू वाइल FN इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तब तक चलता रहे जब तक कि FN ब्लैंक नहीं हो जाता है, और फिर DIR और सॉरी FN फाइल नेम इक्वल टू DIR ब्रैकेट ओपन करो और यहां पे लूप दे देते हैं। तो DIR फंक्शन क्या किया कि हमें हमारा पूरा फाइल का लिस्ट दे दिया, जो भी फाइल का लिस्ट, लेकिन इस फाइल के साथ इसका डेट एंड टाइम और साइज भी चाहिए। तो यहां पे हम देंगे कॉपी पेस्ट और ये जीरो हो जाएगा, ये अगले कॉलम पे चले जाएगा, इक्वल टू हमने बोला फाइल डेट। सर ये ऑफसेट 1-1 होगा ना सर कि 0-1 होगा? उसी कॉलम में अगला है ना हमारा, यहां पे तो उसने फाइल नेम दे दिया ना, तो अगली बार जो नीचे से ऊपर आएगा तो नीचे नहीं आगे आगे बढ़ना है ना हमें। हाँ फाइल डेट एंड टाइम और इसमें फाइल का पाथ चाहिए, तो तो फाइल सर इसीलिए तो 1-1 होना चाहिए ना सर, क्या 1 हमारा 0 हो गया पहला, 0 हमारा सर जो है वो रो है ना सर, और 1 है जो कॉलम है। 65,000 पे चल रहा है ना हमारा, तो एक बार टाइप होने के बाद कहाँ जाएगा, क्या सर इस पे तो हमने पूरी एक क्लास दे रखी है आपको, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो 0 और 1 होगा ना, हमें रो नहीं चेंज करना है, हमें कॉलम चेंज करना है, 1 दोगे तो फिर रो चेंज करके यहां आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना, हमें तो FN का डेट एंड टाइम चाहिए ना। ठीक सर, ठीक सर। यहाँ पे पास हम दे देते, सॉरी पास यहां से खाना होगा ना, पास यहां ले लेते हैं और फिर इसके साथ कॉन्करा लिख देता है, तो फाइल की डेट एंड टाइम, तो फाइल डेट एंड टाइम एक फंक्शन है जो कि जिस जो पाथ दीजिएगा उस पाथ के जितने भी फाइल के नेम है वो फाइल का नेम, फाइल का पाथ और नेम दीजिएगा तो उसका डेट एंड टाइम क्रिएट कब हुआ है वो आपको दे देगा। और उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि फाइल की साइज आए तो अगला फॉर्मूला होता है हमारे पास कि फाइल लेन, और उसमें भी आप अपना पाथ देंगे तो इस फाइल की लेंथ जो है वो आपको KB में दे देगा। तो हमारा मैक्रो कंप्लीट हो गया। मैं जैसे इसको रन करूंगा, रन करते ही आप देखेंगे, सॉरी एक गलत हो गया, या 2 करना चाहिए था ना, और रन। ठीक है सर, ये कोड किसको किसको समझ में नहीं आया, रजनीकांत जी, विश्वराज जी, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। हाँ जी सर आ गया।
सर अगर हम इस वाले ये काम हो गया, अब मैं दोबारा क्या कहते हैं कि इस माइक्रो को रन करूंगा तो जो पुरानी वैल्यू रहेगी उसको वो खुद डिलीट कर लेगा, ठीक सर? नहीं, अगर मैं चाहूं कि कोई ऐसा फॉर्मूला हो, मतलब कोड हो, जिससे कि मैं नया माइक्रो रन करने के पहले पुरानी वैल्यू को हटा दे, उसके लिए क्या हम लिखेंगे कोड? तो यहीं पे आप क्लियर कर दीजिए ना रेंज को। क्या करें सर? क्लियर आप यहीं पे वन देख क्लियर लिख दे सर, कुछ और रेंज? A1 से, नहीं A1, हाँ A2 होगा ना, कि A2 से रेंज A65,000 डॉट एंड, नहीं, ये नहीं होगा। याद है हमको, हमने आपको सिलेक्शन मेथड में कराया था RC वाला, कि रेंज A65,000 डॉट एंड एक्सल आप डॉट रो और सर सी इसमें वो नहीं लगा सकते करंट रीजन? करंट रीजन में आपका ऊपर का हेडिंग भी चला जाएगा ना। अच्छा डॉट एंड टू लेफ्ट डॉट कॉलम और यहां हो जाएगा रेंज A1 कॉमा सेल्स आर कॉमा सी डॉट क्लियर कंटेंट्स। ठीक है रजनीकांत जी, तो जब मैं इसको रन करूंगा माइक्रो को, समझ में नहीं। सॉरी देखिए हमने एक छोटी सी गलती कर दी, हमने रेंज ए नहीं A1 नहीं A2 लेना चाहिए था, समझ गए? इस कारण से मेरा हेडिंग को डिलीट हो गया। तो यहाँ पे फाइल नेम डेट एंड टाइम साइज, अब मैं इसको माइक्रो से डिलीट करूंगा। नया फाइल हो गया। हाँ इसमें एक चीज और हो सकता है कि जैसे ही हम इसको रन करें मुझसे ये फाइल का जो पाथ है ये पाथ मांगे, जो फोल्डर का पाथ हम दें वो उसी फोल्डर के पाथ को ब्राउज टाइप का, अधिकांश समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, हाँ सर, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बट मुझे जो आर और सी आपने लिया ये समझ में नहीं आया है। क्या दिक्कत आ रहा है उसी में? आपने सर आर में वैल्यू डाली है एक्सेल ऑफ रो, फिर सी में आप वैल्यू डाल रहे हैं एक्स एफ डी वन से एक्स एफ डी लेकर वन क्या आखिरी होता क्या कहते हैं वो, तो सर आखिरी वाला क्या कहते हैं कॉलम होता है? है, हाँ तो हमने नीचे वहां से, से रो हमें लेफ्ट हमें चाहिए, आया है। हमें चाहिए इसका इसका चाहिए लोकेशन, तो हमने नीचे से ऊपर गया तो हम इसकी रो कॉलम ले लिए, रो ले लिए और यहां से कॉलम ले लिए। सी पे तो सी पे 3 स्टोर हो गया और 14 स्टोर हो गया आर पे, तो हम यहाँ पे बोल दिए कि A2 से चलो R14 और 3 कॉलम। इसने क्या किया कि यहां से यहां तक का डेटा लेके इसको डिलीट कर दिया। ठीक है तो लेफ्ट लिखा है वो राइट होना चाहिए ना? जो आपने सी की वैल्यू में सर लेफ्ट लिया है वो राइट होना चाहिए क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, लेफ्ट राइट, क्यों अगर होगा। सुनिए राइट होता तो ये वर्क ही नहीं करता, एरर देता। क्यों? कि एक्स एफ डी वन के बाद राइट में कुछ है ही नहीं, यहां से लेफ्ट में आएगा ना, लेफ्ट कौन सा एरो की यूज होगा कंट्रोल के साथ, राइट कि लेफ्ट? लेफ्ट 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 होगा तो इधर जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट करते हैं यहां से इधर आ रहा है,
राइट होगा ना। राइट ही तो मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन आपने लेफ्ट लिखा है वहां पे। सॉरी सॉरी सॉरी, आप बैठे हुए है ना, हाँ। तो आप आपका हाथ की जो है, आपका हाथ जो है लेफ्ट हैंड की तरफ एरो की निशान है कि राइट की तरफ निशान है? राइट की तरफ। कैसे बात कर रहे हैं, ये जो लेफ्ट की तरफ है ना, ये शिफ्ट के नीचे आप जी सर, लेफ्ट रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा सर। मैं रुके फोटो दिखाने दीजिए, कंफ्यूज हो रहे हैं आप, एक कंफ्यूजन मुझे भी बहुत दिन तक था। मतलब हमको सारा जिधर हमारा फेस है उधर ही लैपटॉप का फेस कर घुमा के, फिर जाकर मैं इस चीज को लेफ्ट समझूं। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, समझ गया ना लेफ्ट। मतलब वही आईने वाली बात सर, जैसे मिरर में होता है ना, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। ये जो आपका ये यहाँ कहाँ गया, बड़ा समय पर ये देखिए, ये जो है आपका लेफ्ट होता है, समझे? ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये डाउन होता है, ये अप होता है। लेफ्ट इसलिए होता है कि वो लेफ्ट के तरफ चलता है, इधर लेफ्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका लेफ्ट राइट हैंड होता है, यहाँ आपका राइट हैंड होता है। राइट हैंड की तरफ चलेगा तो राइट है आपका राइट कहलाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ चलेगा तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट कहलाएगा। तो ये जो की है किसकी तरफ चलती है, लेफ्ट हैंड की तरफ चलती है ना। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही सर, वही तो मैं भी समझ रहा हूँ सर। तो आपका जो एक्सेल में जो पहला वाला जो आर ने सर क्या कहते हैं वैल्यू लिया, वो 1 के 65,000 सबसे नीचे वाले रो से उठा और ऊपर गया, ठीक सर? वहां पे जाने के बाद वो राइट मूव करेगा ना सर, तभी जाके उसे आखिरी वाला कोना पता चलेगा हमारे डाटा का। तो हम यहाँ हम जो है डेटा की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हेडिंग की तरफ आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सबसे लास्ट में जाओ और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करो और उसके बाद जो सबसे पहला आएगा वो हमारे डेटा का आखिरी कॉलन होगा, आखिरी रो और आखिरी कॉलम पता चल जाएगा, तो हमें सेल पता चल जाएगा ना कि आखिरी रो 14 है और आखिरी कॉलम 3 है, तो ये आपका हो जाएगा C3 C17 सॉरी C14। ठीक है सर, ठीक सर, समझ गया सर, समझ गया, ठीक सर, चलिए आगे बढ़े। यस सर, अब कुछ ऐसे ही हमारे और भी चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अब ये तो हो गई हमारी इसकी फाइल की, अब हम टर्मिनल बातों की बारे में ध्यान दे दें। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फोल्डर क्रिएशन की। तो आपको पता होगा कि mkdir इसके जरिए हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, पता है सर? इससे फोल्डर क्रिएट होता है। उसी तरह से यहाँ पे एक होता है किल। किल क्या करता है कि किसी भी फाइल या फोल्डर को किल करता है, समझ गए सर? फोल्डर भी डिलीट कर देगा, हाँ, जो भी लास्ट में होगा उसको डिलीट कर देगा। उसके बाद वापस आता है, किल के बाद वापस आता है कॉपी। कॉपी, अब फाइल को अगर कॉपी करना है तो किस फाइल को, .xlsx ये ओरिजिन हो गया और ये आपका डेस्टिनेशन हो जाता है, ये आपका कॉपी कर गया, ठीक है? कि फाइल को किसी और जगह से किसी और पे कॉपी करना या नहीं। अब ये फोल्डर में कॉपी कर पाता है कि नहीं कर पाता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, यू कैन ट्राई, अगर हो जाएगा तो मुझे बताइएगा, नहीं होगा तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
दूसरा तरीका थोड़ा सा लंबी है इसलिए नहीं बता रहा हूं। उसके बाद आता है फाइल नेम, कि फाइल किसी भी फाइल को किसी अनदर नेम से रखने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यहां कॉमा के जगह पे आ जाएगा। तो लग रहा है फाइल नेम नहीं होगा, नेम होगा। तो नहीं नहीं फाइल नेम ही होगा, स्पेलिंग मिस्टेक था। नेम होगा सॉरी। तो फोल्डर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, फोल्डर को डिलीट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, फोल्डर को कॉपी करने किसी फाइल को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है, या किल फोल्डर भी कर सकते हैं और फाइल भी कर सकते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, तो डिलीट करने मेक डायरेक्टरी बनाने के लिए किल, डिलीट करने के लिए कॉपी, कॉपी करने के लिए और नेम रिनेम करने के लिए। चारों समझ में आया सर? तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चार पांच डायरेक्टिव फंक्शन के पार्ट थे, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। और तो कुछ नहीं करते फाइल पे सर? क्लोज करते हैं। क्लोज तो फाइल का पार्ट है, वो तो बता ही रखा, सबसे पहले दिन बताया था सर। अगर फाइल का पूरा नाम ना पता हो तो कैसे क्लोज करें? फाइल एक्टिव से कर सकते हैं। नहीं सर, चार शीटें खुली हुई हैं, उसमें से मुझे दो शीट बंद करनी है, सपोज दैट पहले बात उसका आधा नाम पता है मुझे, तो मैं कैसे क्लोज करूं? और अगर आपको पता नहीं है कि कौन से वर्कबुक करना है, तो यहाँ पे आप बर्थ बुक्स, इसमें आप सीरियल नंबर भी दे सकते हैं कि 1.close। समझ गए? नहीं, नंबर से भी दे सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर फाइल का पाथ चाहिए तो उसके लिए है कि यहां पे दे सकते हैं कि एक्टिव वर्क बुक डॉट फाइल फॉर्मेट, लेकिन ये आपको किसी वेरिएबल पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि तो ये फाइल की प्रॉपर्टी है, इसको स्टोर करने के लिए कोई चाहिए। डॉट पाथ, ये पाथ आपको देता है। फिर पाथ के बाद आता है नेम, ये सिर्फ नेम आता है। और फिर फुल नेम, फुल नेम और पासवर्ड दोनों आता है, पाथ और नेम दोनों आता है। ये फाइल के ऊपर आप ले सकते हैं। राइट, तो जैसे आपने वर्कबुक डॉट वन, क्या बोले, वर्कबुक जो वन लिखा है सर, तो मानिए चार वर्कबुक खुला है, तो कौन सा वर्कबुक बंद हो जाएगा? सीक्वेंस में जो होगा, सीक्वेंस में होगा उसको करेगा। ये सीक्वेंस में सर वो खुला है या? अब मैं इसमें कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस पर ये नहीं हूं, आप एक बार देख लीजिएगा अपने खुद से। जहां तक मुझे उम्मीद है कि जो स्विच में जो नंबर होता है इसके अकॉर्डिंग चलेगा, या फिर खुला हुआ है उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हम दूसरा सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक सर, जैसे वेरिएबल क्या कहते हैं आपने दिया सर नीचे, उसमें हम उस फाइल का फॉर्मेट, मतलब उसका पाथ मुझे पता है मानिए, तो उस पाथ में तीन फाइलें हैं, उसी को मैंने खोला है और उसी को बंद करना है, तो मैं इस पाथ को उठा लूं और उसी को क्लोज कर दूं एक को? नहीं, ऐसा होगा? नाम नहीं पता है तो कैसे आप पाथ उठाइए? खाली पाथ से थोड़े बंद होगा, पाथ से थोड़े मतलब इसको तो फाइल नेम चाहिए। पाथ पता है मैंने एक्चुअली सर उस फाइल को ओपन किया। पाथ अगर पता है तो इस पाथ में अगर एक ही फाइल है या दो ही फाइल है तो आप डीआई फंक्शन इसका मेथड इस्तेमाल करके भी आप क्लोज कर सकते हैं। जैसे सर हम लोग पार्शियल नेम डाल के फाइल को ओपन कर लेते हैं। हाँ, अब मैंने फाइल पार्शियल नेम डाल के ओपन तो कर लिया, अब वो ओपन हो गया, मैंने उससे कॉपी करके डाटा निकाल लिया, अब मैं उस फाइल को बंद करना चाह रहा हूँ। फाइल का मुझे क्या कहते हैं कि
पाथ पता है, ठीक सर। आप डीआईएफ फंक्शन से चलिए ना, डीआईएफ फंक्शन आपको पूरा नाम दे देगा, अब पूरा नाम जब आ जाएगा तो उसको क्लोज कर दीजिए। इसमें सर और भी फाइलें हैं, मतलब उस डायरेक्टरी में, मानिए सर क्या कहते हैं कि पाथ पाथ मैंने डायरेक्टरी से निकाल ली, तो उस डायरेक्टरी में मेरे को कंडीशन से आपने ओपन किया है ना, उसी कंडीशन से इसके ऊपर उसका नाम आ जाएगा, समझ गया ना? आपको ओपन करने के लिए भी फाइल का पूरा नाम चाहिए होगा। नहीं सर, स्टार लगा के जैसे कर देते हैं सर, स्टार लगा के करेंगे तो यहाँ पे फाइल का नाम ही देगा ना आपको, और फिर डायरेक्टरी के साथ बना के फिर ओपन कीजिएगा ना, स्टार लगा के ओपन तो नहीं कर देगा, स्टार लगा के वो फाइल का पूरा नेम आपको दे देगा। डीआईआर फंक्शन ओपन तो नहीं करता है फाइल को। नहीं, मैं डीआईआर की बात नहीं कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, तो उसके अलावा आप बिना फाइल का पूरा नाम दिए हुए कैसे ओपन कर लेंगे सर? मैं आपको एक कोड दिखाता हूं, आप एक पार्शियल नेम देके ओपन नहीं कर सकते हैं? मैं सर एक कोड आपको दिखाता हूँ, मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं सर दिखाऊं तो आप सर समझ जाएं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। दीजिए दो व्हाट्सएप पे, तो इस पे चैट पे दीजिए। सर जरा मेरे को शेयर स्क्रीन का परमिशन दीजिए। आप अपनी स्क्रीन से हटाई तो मैं सर अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करूं। कीजिए। यस सर, ये यस सर, मेरी स्क्रीन दिख रही सर? हाँ दिख रही है। अब सर यहाँ पर जो मैंने ये डाला है, मैंने वर्कबुक को ओपन किया है सर, ठीक सर, और यहाँ पर मैंने स्टार लगाया हुआ है सर। इस फाइल का मुझे पूरा नाम नहीं पता था, मैंने स्टार लगा के इस फाइल को खोल लिया। अब मैंने इस पे से डाटा कॉपी कर लिया, अब ऐसे ही मैंने दूसरी फाइल खोली उस डायरेक्टरी की जिसका पूरा नाम नहीं पता था, थोड़ा सा नाम पता था। हाँ, मैंने इसको यूज कर रहा हूँ सर लगभग। ठीक है, तो एक काम कीजिए ना, जहाँ आपने वर्कबुक ओपन किया है ना, ऊपर आइए सबसे पहले। हाँ, हाँ, के नीचे एक वेरिएबल पे कर दीजिए एक्टिव वर्कबुक डॉट फाइल नेम डॉट नेम, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल के ऊपर, ठीक है सर, ले लेते हैं आर इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट नेम आगे डॉट नेम, ठीक सर। अब इस फाइल का नाम इस पे स्टोर हो जाएगा, जहां बंद करना है वहां पे इसको कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम बात करते हैं एक चीज और पे, कि मुझे अगर किसी पर्टिकुलर फाइल से यूनिक लिस्ट लेना है तो कैसे लें। अगली टॉपिक देखिएगा, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कि किसी फाइल से अगर मुझे यूनिक लिस्ट लेना है, ये आगे चल के आपको लिस्ट बॉक्स में ड्रॉप बॉक्स वगैरह बनाने में काम आएगा। जैसे कि मेरे पास नाम है और नाम में बहुत सारे नाम है, बट ये नाम जो है काफी बार रिपीटेड है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं और यहाँ डेटा मेनू बार में आते हैं, इस पे पेस्ट करके मैं यहाँ कर देता हूँ रिमूव डुप्लीकेट, तो हमारा डुप्लीकेट रिमूव होके यूनिक बच जाता है। लेकिन मैं इसको भी मैं वीवीए के थ्रू कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर वो एडिट करने में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मुझे एक लोकेशन पे कॉपी पेस्ट करके फिर इसको रिमूव करना पड़ेगा। हालांकि जो चीज मैंने अभी किया इसको वीवीए के थ्रू कर सकता हूँ मैं इजिली, समझे, कि हम कॉपी इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया और इसको पेस्ट किया और रिमूव डुप्लीकेट कर दिया।
तो इसका भी आप देखेंगे तो कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो गया होगा कि यहां पे क्रिएट एक पर्टिकुलर लॉग या रिमूव डुप्लीकेट कॉलम वन और हिडन नोड, तो रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन क्या इसको हम बीवीएम मेथड के जरिए बना सकते हैं डायनेमिक? तो चलिए वही हम आपको बताते हैं। तो यहां पे हम देते हैं सब्जेक्ट RR/1 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहां पे देते हैं हम dim dt as a new collection. न्यू कलेक्शन भी एक तरह के डेटा ऑब्जेक्ट टाइप है, एरे जैसे जिससे एरे यूज करते हैं उस तरह से एरे होता है, लेकिन इसका एक नियम है कि अगर आप न्यू के अंदर डीटी के अंदर अगर कोई डेटा या न्यू कलेक्शन के अंदर कोई डेटा स्टोर करते हैं, तो जैसे कि अब मान लीजिए कि हम यहाँ आर डिफाइन किए, ए डिफाइन किए, तो ए पे मैंने यहाँ पे सूरज कर दिया, तो सूरज सुजीत कर दिया, तो सुजीत भी ले लिया, और जैसे मैं यहाँ पे अगेन ए किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया पुनीत, तो इसने इसको रिमूव कर दिया, इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया, दोनों रहे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिम ए हमने बोला कि 1 to 50 हमने यहाँ पे एरे टाइप डिफाइन कर दिया, इसमें बोला कि A1 पे हमारा सुजीत हो और A2 पे हमारा पुनीत, दिस इज द एरे। बट क्या है कि ये डुप्लीकेट एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसी तरह का सेम इसी तरह का हमारे पास न्यू कलेक्शन प्री डिफाइन सिस्टम का होता है एरे, लेकिन इसमें क्या है कि डुप्लीकेट वैल्यू को असाइन नहीं करता है। तो इसमें लूप चलाते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले 2 से range A65000.and xlsup.row, और हमने बोला dt.add, और यहां पे क्या ऐड करना है, हमने दिया रेंज ए के साथ हमने कंबाइन किया आई को डॉट वैल्यू, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि एक ही तरह का डेटा टाइप लेता है, इसलिए हमेशा इसका की डिफाइन करना होता है, जैसे हमने बोल दिया चेंज str, मतलब कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, तो रेंज ये देना जरूरी होता है, ए के साथ हमने आई डॉट वैल्यू, डेटा कन्वर्जन का फॉर्मूला है। तो ए क्या करेगा, डेटा को ऐड करेगा, और फिर इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे इसमें डुप्लीकेट वैल्यू देगा वैसे ही एरर शो करेगा, तो एरर को रिमूव करने के लिए यहां लिखते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। अब ये वैल्यू डी टी पे ऐड हो गया है, लेकिन वापस हमारे डेटा में मतलब कि जहां हम रखना चाहते हैं मान लीजिए जी कॉलम में कैसे आएगा, तो उसके लिए हमें लूप का इस्तेमाल अगेन करना पड़ेगा, और कौन सा, फोर इच का। हमने बोला कि माफ कीजिएगा यहां होगा फोर इच आइटम इन डी टी, ठीक है, और हमने दिया रेंज जी 65000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आइटम और नेक्स्ट। अब मैं इस मैक्रो को अगर
रन करूंगा यहां देखिए और यहां देखिए तो लिस्ट हमने दे दिया। समझ गया रजनीकांत जी? पूरा नहीं समझे थे क्या? पूरा अभी नहीं समझ में आया सर। क्या अभी समझ ही रहा हूँ सर। कोड समझिए फिर बताइए क्या मैं पुराना दिक्कत है, मैं समझाता हूँ आपको। जो सर डीटी है, डीटी डॉट एड लिखा गया है तो हमारा रेंज का ए के आगे की जो वैल्यू होगी वो डीटी में एड होती रहेगी। ये डीटी डॉट एड कर रहा है ना? हम क्या कर रहे हैं कि पहले डीटी में सारे वैल्यू को एड कर रहे हैं। अब डीटी को जैसे डुप्लीकेट मिलेगा एरर देगा और ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट इसको इग्नोर कर देगा। तो डीटी के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगा वो यूनिक ही स्टोर होगा, डुप्लीकेट स्टोर नहीं होगा क्योंकि डुप्लीकेट स्टोर करता है ये डुप्लीकेट। CSTR का क्या यूज है सर? बेसिकली क्या है कि आपने रेंज, जो रेंज की वैल्यू दी हो उसका फॉर्मेट क्या है वो आपको यहाँ पे शो करना है। तो फॉर्मेट तो कुछ भी हो सकती है, नंबर भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, डेट टाइम भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे CSTR एक फॉर्मूला है, शायद आपने लिंक को सही से नहीं पढ़ा था, पढ़े होते तो आप नहीं पूछते मुझसे। वहां पे CSTR मतलब डेटा कन्वर्जेंस फॉर्मूले में CSTR का मतलब होता है चेंज स्ट्रिंग, मतलब कि जो नंबर है वो नंबर का फॉर्मेट स्ट्रिंग डेटा टाइप में चेंज हो जाएगा। समझे? यहाँ पे क्या कहते हैं, हम उस फॉर्मेट को जो डाटा है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में चेंज करके उस रेंज की वैल्यू को हम डीटी में ऐड कर रहे हैं, ठीक ना सर? हाँ। हम वो जब ऑलरेडी जो डाटा की वैल्यू है वो तो ऑलरेडी स्ट्रिंग में है सर ना? अब जरूरी थोड़ी है, ये कैसे पता चलेगा डीटी को कि जो है इसको एक कन्वर्जेंस करके ही लेता है, ठीक है? लिखने का डिफाइन जब भी हम डीटी यूज करेंगे, जब भी हम डीटी डॉट एड यूज करेंगे हम उसका फॉर्मेट बताएंगे। हाँ ओके सर, ये जो आपने डिम डीटीएस न्यू कलेक्शन लिया है ये हमेशा, ये कुछ और भी ले सकते हैं हम या हमेशा यही रहेगा? न्यू कलेक्शन का यूज है हमारा इसमें। आगे चल के जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो उसमें न्यू के बारे में बताऊंगा। जैसे हमने न्यू कर दिया तो न्यू में बहुत चीजें होता है, न्यू चार्ट, न्यू एप्लीकेशन, न्यू एक्सेल, न्यू ऑफिस में बहुत सारी होती है, न्यू पार्ट, न्यू वर्कबुक, न्यू डेस्कशीट, ऐसे ले सकते हैं। ये चीज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे उस केस में, फिलहाल आप कलेक्शन को समझे। तो सर इसमें सारा कलेक्शन की वजह से ये डीटी डॉट एड में ये वैल्यू ऐड कर रहा है। हाँ अगर हमने कुछ और लिया तो ना करता है ना? जैसे आप वैल्यू डीटी में जैसे पूजा दूसरा बार, जैसे दूसरा बार डलेगा डीटी डिक्लाइन करेगा लेने से, मतलब कि एरर शो करेगा। अगर आप इसको, अगर मैं हटा दूं इसको, मैं फिलहाल डेट कर देता हूँ, डेट करने के बाद इसको रन करेंगे तो देखिए एरर दे गया कि दिस की इज ऑलरेडी एसोसिएट विद द एलिमेंट ऑफ दिस कलेक्शन। समझ गए कि दूसरी वैल्यू वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो हमने क्या बोला कि जब ऐसा एरर आए तो स्किप कर दे, तो डीटी पे वैल्यू को ऐड करना हमने स्किप कर दिया, मतलब कि जैसे जैसे डुप्लीकेट आएगा वो ऐड करना स्किप कर देगा, मतलब कि ऐड नहीं करेगा। तो जो ऐड होगा वो यूनिक ही होगा, डुप्लीकेट ऐड नहीं होगा। और फिर जो हम ऐड किए हैं उसको एक एक करके हम वापस किसी सेल पे ले लेंगे। समझ गए सर? कलेक्शन में, सर कलेक्शन में और क्या क्या कर सकते हैं या सिर्फ यही कर सकते हैं? न्यू कलेक्शन मतलब कि ये हो रहा है कि कलेक्शन के अंदर, कलेक्शन क्या है, इज द कलेक्शन ऑफ द डेटा बट यूनिक डेटा। हाँ 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 ओके ओके ठीक है। रजनीकांत जी कोई डाउट? नहीं जी ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ यूनिक डेटा का यूज आप जब कर लिए तो आपको एक बनाना है डिपेंडेंट कॉम्बो बॉक्स। डिपेंडेंट मैंने बॉक्स, जैसे आप लोग डेटा वैल्यूएशन में लगाते हैं ना लिस्ट,
ड्रॉप डाउन, तो उसमें जैसे कि एरिया है, मतलब कि स्टेट है, आप पहले स्टेट को सिलेक्ट किया, देन स्टेट के अगेंस्ट जो सिटी है वो सिटी अपने आप आ जाए, उस सिटी के अगेंस्ट अगर एरिया है तो वो एरिया अपने आप आ जाए, समझ गए? ये आपका होमवर्क है और मुझे आशा है कि ये होमवर्क आप बना लें, बना के मुझे दे। सिर्फ फाइल शेयर कर देंगे ये वाली और कल वाली भी है। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कस्टम डायलॉग बॉक्सेस, यूजर फॉर्म से पहले की टॉपिक है कस्टम डायलॉग, देन यूजर फॉर्म स्टार्ट होगा। सर कल की फाइल भी शेयर कर देंगे सर, कल की जो कल कराए थे ना, सेव होगा तो मैं शेयर कर दूंगा और आज के कोड में आपको भेज देता हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में। सर ये वीडियो मेरा रिकॉर्डिंग छूट गया था आज का पूरा करना, ये सर वीडियो आप यूट्यूब पे डालेंगे ना सर? अभी अभी डाल देते हैं, आधे घंटे, आधे से एक घंटा। ठीक सर, थैंक यू।